जम्मू कश्मीर से तमाम लोगों की बात करें तो इस वक्त हज यात्रा के लिए जो है गए हुए हैं, जिसमें से पिछले 5 दिनों की बात करें तो खबर सामने आ रही है कि पिछले 5 डेज में बात करें तो 3 कश्मीरी हज पिलग्रियंस हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो हैं वहां पर ली हैं, और जिनमें 2 फीमेल बताई जा रही हैं और 1 मेल बताया जा रहा है जो कि गांधरबल का रहने वाला था। फिलहाल जो 2 फीमेल सामने आ रही हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो हैं सऊदी अरेबिया में ली है, जो कि हज करने के लिए गए हुए थे, फिलहाल उनकी पहचान की बात करें तो अजीमा बेगम बताई जा रही है, वाइफ ऑफ नूरुद्दीन शाह, और जिन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ जो है मक्का में ली। और उसके बाद नसीमा अख्तर बताई जा रही है जो कि उरनान अनंतनाग जिले की रहने वाली थी, और 26 जून को उनकी भी मृत्यु हो गई हज यात्रा के दौरान। और उससे पहले अगर मेल पिलग्रिम की बात करें तो उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है जलालुद्दीन बाबा बताई जा रही है, और जो कि सफापुरा गांधरबल के रहने वाले थे। तो कुल मिला के अगर बात करें तो पिछले 5 दिनों में 3 कश्मीरी पिलग्रिम्स जो कि हज के लिए गए हुए थे उनकी जो है मृत्यु हो गई है, और फिलहाल 2 फीमेल जो बताई जा रही है जिसमें अजीमा बेगम है वाइफ ऑफ नूरुद्दीन शाह बताई जा रही है, और उसके साथ साथ नसीमा अख्तर बताई जा रही है फ्रॉम पुरनहाल अनंतनाग, और जो कि 26 जून को जो है उन्होंने भी अपनी आखिरी सांस जो है ली है। इससे पहले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां से भी एक मेल पिलग्रिम जो है वो बताए जा रहे थे जो कि 60 ईयर्स ओल्ड थे और हज पिलग्रिम थे जो कि गांधरबल के रहने वाले हैं, और वो पास्ट अवे हुए मीना में जो कि होली सिटी ऑफ मक्का है सऊदी अरेबिया में, और ड्यूरिंग की हज के दौरान। और डिकीज की बात करें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है जलालुद्दीन बाबा जो कि सफापुरा इलाके के रहने वाले थे, और उनके फैमिली मेंबर ने बताया कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन जो है सम ऑफ दी कैंपियंस द्वारा जो है उन्हें दी गई, और उन्होंने ये कहा कि फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के स्टेट हज कमेटी है शुजात अहमद कुरैशी की बात करें तो उन्होंने कंफर्म किया है, और फिलहाल हज पिलग्रिम की बात करें तो जो कि गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और वो मीना में जो है पास्ट अवे हो गए हैं, और ड्यू टू एक्सेसिव बॉडी डिहाइड्रेशन जो है वो इसमें बताई गई। तो फिलहाल हज से यही अपडेट जो सामने आ रहा है कि 3 पिलग्रिम्स की बात करें तो पिछले 5 दिनों में उन्होंने अपनी आखिरी सांस जो है वो इस हज यात्रा के दौरान जो है वो ली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, आप देखते रहें चेकिंग न्यूज़ 5 लाइव।